हिमाचल प्रदेश के लिए ये खुद एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश आगे रहता है। अगर आप सभी ये मानते हैं तो जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत हम यहाँ पर करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का। चाहती हूँ कि वो यहाँ मंच पर आए और उनसे सवालों और जवाबों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान। तो ये एक बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा में अव्वल रहता है। यहाँ की पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए, लेकिन विपक्ष के भी कुछ सवाल होते हैं और जनता के भी कुछ सवाल होंगे, इसीलिए आवाज आपकी होगी, शब्द आपके होंगे और जरिया हम यानी कि खबरें अभी तक बनेगा। तो यहां पर तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का। मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी यहां पर मौजूद हैं जो सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन दो सालों में हिमाचल प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और क्या विपक्ष के जो आरोप लगातार सरकार पर अभी तक लगते आए हैं या फिर जनता के जो सवाल हैं वो हम यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है सुरेश भारद्वाज जी का, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी जान लेते हैं। राजनीतिक सफर, सुरेश भारद्वाज का जन्म 15 मार्च 1952 को शिमला में हुआ। सुरेश भारद्वाज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, मंत्री पद से कई बार दरकिनार रहे, लेकिन हिमाचल में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने का जिम्मा मिला। सीनियर नेता सुरेश भारद्वाज कॉलेज के दिनों से ही छात्र आंदोलन में सक्रिय रहते थे, इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए, शिमला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए फिर से सुरेश भारद्वाज को जनता ने चुना। 27 दिसंबर 2017 को सुरेश भारद्वाज को आखिरकार उनकी तपस्या का फल मिला और उन्हें महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद निरंतर उन्होंने शिक्षा विभाग में भी अपनी ओर से बड़ा योगदान देना शुरू किया। सुरेश भारद्वाज का जन्म 15 मार्च 1952 को शिमला में हुआ। सुरेश भारद्वाज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के राजनीतिक करियर रहा, क्या चुनावी सफर रहा, वो तमाम बातें हमने आपको दिखाई, क्या कुछ इनका प्रोफाइल है राजनीतिक वो भी आपने देखा। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप, सुरेश भारद्वाज हिमाचल के शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी ये संभालते हैं। कुल मिलाकर जयराम सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। हालांकि शिक्षा से हम शुरुआत करना चाहेंगे सर, शिक्षा को लेकर, आपके विभाग को लेकर अभी तक क्या कुछ ऐसा किया गया कि हिमाचल की तस्वीर बदल पाए, विकास है उसको नई दिशा मिल पाए हिमाचल पे? हिमाचल साक्षरता की दृष्टि से हिंदुस्तान में जो आंकड़े अभी तक रिकॉर्डेड हैं उनके आधार पर दूसरे नंबर पर आता है केरल के बाद, लेकिन अगर उन आंकड़ों को हम द्वारा से सर्वे करके देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश देश का पहले नंबर का साक्षरता वाला प्रदेश है। माइग्रेटरी लेबर को छोड़ करके 100% लिटरेसी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को पहुंचाया है। आज दूर दराज के इलाके तक भी हमारा प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जहां हिमाचल प्रदेश में मात्र एक या दो कॉलेज होते थे आज 139 कॉलेज हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सरकारी क्षेत्र में ही काम करने वाले 18,000 स्कूल हैं। यूनिवर्सिटी 70 में पहली बनी, लेकिन आज सरकारी क्षेत्र में ही काम करने वाली यूनिवर्सिटी 6 हैं और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं। 2017 में हमने जब सरकार ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी, शिक्षा विभाग मुझे सौंपा, मेरा शिक्षा का बैकग्राउंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अलावा नहीं है, मेरा बेसिकली जो है वो प्रोफेशनली जो है वो कानून मेरा विषय है। बिल्कुल। लेकिन जब विषय दिया गया तो सबने कहा कि ये बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसफ़र का ही मामला इसमें रहता है और हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ सब
लोग टास्क फोर्स के लिए जो है वो पॉलिटिकल पुश एंड प्रेशर जो है वो चलते रहते हैं, तो उस सारी स्थिति में जो है वो हमने कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में कुछ नया किया जाए, मुख्य रूप से क्वालिटी एजुकेशन पर हम जोर दे रहे हैं। प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है, दूर दूर दराज तक शिक्षा गई है, लेकिन क्वालिटी में जो है वो कमी आ रही थी। 2017 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है एक, जो अब अगला सर्वे जो है वो नेक्स्ट ईयर 2020 में होगा, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो काफी डाउन चला गया था क्वालिटी वाइज, उसको बढ़ाने की दिशा में हमने पहला काम के साथ। आपकी अच्छी बात ये कि आपने माना कि क्वालिटी में कमी आई है, तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार को उसके लिए आपकी सरकार के पास क्या कुछ कहेंगे कि रोड मैप आप लेकर चल रही है, क्या कुछ प्लानिंग है? हमने प्रारंभ किया ना, हमने इस दिशा में जो है वो सबसे पहले सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ की, और खुशी की बात यह कि जो हमारे प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने वॉलंटरीली ये काम जो है अपने हाथ में लिया है कि हम प्री प्राइमरी को भी पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग होती है उनकी और वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा काम हमने, जो कपिल सिब्बल जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने एग्जाम्स खत्म कर दिए थे, हमने पांचवी और आठवीं के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस जो समाप्त कर दिए थे हमने वो दोबारा से उन्हें प्रारंभ कर दिए हैं। अब जो है डिटेंशन भी होगी लेकिन चांस मिलेगा, क्योंकि उसके कारण फर्स्ट टू एट्थ बच्चे पढ़ते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे, नाइन्थ में जो है वो फिर नेचुरली जो है वो उनकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती थी। इसके अतिरिक्त हम सिलेबस में जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, सिलेबस में बेसिकली नैतिक शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, उसका इंक्लूजन हो। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संस्कृत को, संगीत को, चेस को और योगा को, इसको इंक्लूड करेंगे। उस दिशा में हमने जो है वो चेस इंक्लूड कर दिया है, योगा इंक्लूड कर दिया है, संस्कृत हम प्राइमरी क्लासेस से सेकंड ऑनवर्ड जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत हिमाचल प्रदेश की दूसरी लैंग्वेज भी है, और आज जो है वो समाज में ही जो संस्कारों में जो है वो कमी आ रही है वो सबसे बड़ा जो है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। आज पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है और अपने हिंदुस्तान में भी बेंगलुरु, हैदराबाद पढ़ते हैं, नोएडा पढ़ते हैं, शिमला में मैं देखता हूँ आमतौर पर बूढ़े माता पिता जो है वो घर में रहते हैं, बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया लिखाया होता है पढ़ने लिखने के बाद जो है वो कहीं शिकागो या बेंगलोर में जाते हैं, जब माता पिता की जो है मृत्यु होती है तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, वहाँ से वो ऑनलाइन पैसा तो भेज सकते हैं, आरटीजीएस करते हैं और कहते हैं कि हरिद्वार भी जो है कोई ले जाए हम पैसा भेज देंगे। तो इन संस्कारों को ठीक करने के लिए, शिक्षा को परिवर्तित करने के लिए, संस्कार आपके दो मंत्रालयों के साथ जुड़ा के सीधे, शिक्षा भी अगर अच्छे से हासिल करेंगे, संस्कार अच्छे होंगे, क्राइम नहीं करेंगे, और जो कानून मंत्रालय है आपका वो भी बेहतर ढंग से काम कर पाएगा, इस पर भी आएंगे। लेकिन जो डिजिटल क्लासेस को लेकर आप लोगों ने पहल की है, इसके अलावा वर्चुअल क्लासेस को लेकर जो पहल की है, उसको लेकर क्या लगता है कि कितने दिनों में उसका असर दिखेगा हिमाचल में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में टोटल हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 2700 कुछ है, उनमें से 2300 स्कूलों में हमारे आईसीटी लैब्स हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। इस बार हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कई बार टीचर्स नहीं होते, रिटायरमेंट हो जाती है किसी और कारण से, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के कारण लंबा टाइम लगता है टीचर के अपॉइंटमेंट में, तो कहीं साइंस की क्लासेस के लिए, कॉमर्स की क्लासेस के लिए टीचर नहीं होते हैं, इसलिए हमने वर्चुअल क्लासरूम जो हैं वो पायलट आधार पर अभी शुरू किए हैं। मंडी में हमारा वर्चुअल क्लासरूम शुरू हो गया है, जिसमें मंडी सदर के एक क्लासरूम से लेक्चर होता है और वो दोनों तरफ प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं उसमें, ऐसे 8 कॉलेजेस को उससे जोड़ा है। अगर कहीं टीचर नहीं है तो उस वर्चुअल क्लासरूम की मदद से उसकी पढ़ाई हो सकती है। ऐसे दूसरा प्रोजेक्ट शिमला में जो है वो हम बहुत जल्दी जो है लॉन्च करने वाले हैं, और हम इसको क्लस्टर बेस पर बाकी स्थानों पर भी बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारी टीचर्स की कमी जो है वो इसके कारण जो है वो पूरी होगी, स्मार्ट क्लासरूम के कारण,
ICT लैब्स के कारण स्कूलों में हमारी जो है इसकी कमी पूरी होगी। इसी प्रकार हम लैब्स शुरू कर रहे हैं, संस्कृत के लिए भी लैब शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी लैब्स कर रहे हैं, ताकि जो एक भ्रम पैदा हो गया है कि कॉन्वेंट में या अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा ही जो है वो कहीं ऊपर जा सकता है, वो हम अपने सरकारी स्कूलों में भी उन लैब्स के द्वारा जो है स्पीकिंग, मैं आज भी मानता हूँ प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जानते हैं, पढ़ सकते हैं। हम भी मानेंगे, दर्शक भी शायद मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कारण ये मानते हैं मंत्री जी कि बच्चे जो हैं, अभिभावक जो हैं, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना कुल मिलाकर पेरेंट्स पसंद करते हैं, सरकारी स्कूल जो हैं बच्चों को अपनी तरफ क्यों आकर्षित नहीं कर पाते या कम बच्चे क्यों आते हैं सरकारी स्कूलों में? बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। 27 दिसंबर 2017 को हमने कार्यभार संभाला, 2 जनवरी को हमको पोर्टफोलियो मिला, उसके बाद जो मैंने नेस की बात की है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसका जो है वो हमने पूरा इसी हॉल में जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, NCERT के लोग भी उसमें आए थे। हमने उसके बाद SCERT हमारी सोलन में है, उनको काम दिया कि क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। उन्होंने 1.5 महीने में उसका सर्वे किया, सर्वे करने में बहुत सारे कारण उन्होंने बताए, जिनमें एक कारण ये था कि बच्चे क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 3 साल में भर्ती होते हैं प्री प्राइमरी क्लासेस में, नर्सरी, प्री नर्सरी, KG, LKG में, इसलिए फिर जब वहाँ भर्ती होते हैं तो आगे भी चल करके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए हमने उसके स्थान पर जो है वो प्री प्राइमरी क्लासेस सरकारी स्कूलों में प्रारंभ कर दिए, और इसका नतीजा यह है कि आज वापस आ रहे हैं। अच्छा। आप रामपुर जाइए, रामपुर के स्कूलों में जो है वो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो इस बात के लिए रो रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापक घरों में जाकर के जो है वो बच्चों को ला रहे हैं कि सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी भी है और अच्छी शिक्षा है, वापस आ रहे हैं जो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था हमारा। फिर हमारे टीचर्स नहीं होते थे, सबसे बड़ी कमी जो है वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगता था, या क्वालिटी टीचर नहीं होते थे, बैकडोर एंट्रीज होती थी। हमने जो है वो पिछले 2 सालों में, मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, 2013 1 जनवरी से लेकर के 2017 31 दिसंबर तक 5 साल में पिछली सरकार के समय टोटल अपॉइंटमेंट्स एजुकेशन में 6100 है, और हमने पिछले 2 साल में 7300 टीचर्स अपॉइंट किए हैं। तो जब भर्तियां होंगे, टीचर होंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। देखिए, विपक्ष सरकार पर बहुत आरोप लगाता है, हालांकि हम उन एलिगेशंस को नहीं मानेंगे जब तक सरकार का पक्ष नहीं सुनेंगे। अब विपक्ष के आरोप ये है कि आप लोगों ने नए विद्यालय तो खोले ही नहीं, जो पिछले सरकार में कांग्रेस ने विद्यालय खोले थे, स्कूल्स खोले थे, उनको भी बंद करवाने का काम किया आपकी सरकार ने, सरकार का क्या स्टैंड है? मुझे लगता है कि ये किसी कांग्रेस के नेता ने, विपक्ष ने जो है ये आरोप नहीं लगाया होगा, ना वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में जो उन्होंने खोले थे विद्यालय, स्वयं बंद करने पड़े उनको। मेरे पास फिगर है, 16-17 में उन्होंने 159 स्कूल्स को बंद कर दिया था, और इसी प्रकार से 141 स्कूल्स को मर्ज कर दिया था 2 स्कूलों में, क्योंकि बच्चे नहीं थे। हम स्कूल जितने खुले जाने थे, जहां जाते हैं मुख्यमंत्री जी वहां पर जहां मांग होती है हम खोलते हैं स्कूल। अच्छा। लेकिन अननेसेसरी केवल मात्र स्कूल खोलने के लिए, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए जो है स्कूल का खोलना कोई मत नहीं। 3 बच्चे अगर एक स्कूल में होंगे तो वो पढ़ नहीं सकते हैं। राजाओं महाराजाओं की एजुकेशन जो है वो ट्यूशन के द्वारा अपने महलों में हुआ करती थी, वो हो सकती है महल में ट्यूशन के द्वारा पढ़ेगा बच्चा, लेकिन बाकी सारी सराउंडिंग्स में जब तक जो है बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए स्कूलों में कम से कम जो RTE एक्ट का प्रोविजन भी है, 25 विद्यार्थी कम से कम मिनिमम स्कूल में होने चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की क्लस्टर में कोई अच्छा स्कूल एक खोला जाए, और हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा देकर के बच्चों को वहां पर भी दाखिल करने, ये अभी कुल मिलाकर गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं, क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगारों का जो आंकड़ा है हिमाचल का, देखिए पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, आप कहते हैं हम पहले नंबर पर हैं, अगर राज्य बहुत छोटा है उसके बाद भी केरल से 2 नंबर पर हैं, कुल मिलाकर आपको लगता है कि पहले नंबर पर भी है? लेकिन नहीं, आप ही की तरह मीडिया ग्रुप है, एक इंडिया टुडे इज ए मीडिया ग्रुप, हर साल 2002 से वो एक स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड देता है, एंड एजुकेशन कंटिन्यूसली दूसरी साल, इस साल भी हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। ठीक है,
इसके बाद भी क्या कारण आप मानते हैं कि देखिए शिक्षा में तो अच्छे हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 9 लाख बेरोजगार थे हिमाचल में, तो कमी कहाँ रहती है? नहीं देखिए, मैं उस फिगर को भी जो है सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, वो फिगर सही नहीं है। जहाँ जब एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है सिर्फ एक एजेंसी नहीं है जहाँ से लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए लेते हैं। आप भी अगर एम्प्लॉई आज देते हैं अपने चैनल में तो आप ओपन भर्ती लेते हैं उनकी, तो वो चैनल जो है वो एम्प्लॉयमेंट चला रहता है। लेकिन ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में बाकी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कमी है, इसलिए यहाँ पर एवेन्यूज केवल सरकारी नौकरियों के हैं। उसमें भर्तियाँ जो है वो जितनी पढ़ाई हो रही है, जितनी जनसंख्या, उस हिसाब से सरकारी दफ्तरों में नौकरियां नहीं हो सकती। प्राइवेट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश को पैकेज मिला था, इंडस्ट्री पैकेज, कुछ इंडस्ट्री जो है वो खुली है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है जिसमें लोगों को नौकरियां मिल सकें, और वो पेरिफेरल पर खुली हैं, इसलिए अंदर का व्यक्ति जो है उसमें नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, हिमाचल प्रदेश में अगर आज नौकरियों की जरूरत भी है तो वो ऊपर की और बीच की जॉब में है, उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो कमी है, लेकिन उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन की दृष्टि से। मैं सिर्फ एजुकेशन पर बोलूंगा, बाकी सरकार का मुख्यमंत्री जी या हमारे मंत्री बोलेंगे, लेकिन एजुकेशन में हमने कॉमर्स लैब्स शुरू की हैं, हम तो उसे आगे जा रहे हैं। वाइल लर्न यू अर्न उस प्रोग्राम के तहत जो है वो कॉमर्स लैब्स हमने हिमाचल प्रदेश के चुने हुए कॉलेज में शुरू की है, जिसमें सीधा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है वो उनका कनेक्शन है, उनकी करेंसी का यूज करके जो है वो, ताकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स इत्यादि जो बनते हैं उसके द्वारा हों। हम कैंपस प्लेसमेंट्स करते हैं, हर कॉलेज में जो है वो हमारा कैंपस प्लेसमेंट का प्रोविजन है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियां दें। और जैसे मैंने कहा कि डिपार्टमेंट में जो है वो आज तक की फिगर्स अगर निकाल करके देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन 2 सालों में दी गई। अच्छा, बाहरी लोगों को रोजगार मिलता है, कोई ऐसा मुद्दा है जो कि सचिवालय में भी नियुक्तियों को लेकर गरमाया, विपक्ष ने भी मुद्दे को उठाया? नहीं देखिए, इसमें जो है वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है रूल में, लेकिन परिवर्तन सारे देश की नीति में हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौकरियां देने में, खास करके सरकारी क्षेत्र में, कोई सिफारिश ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, इसलिए जो क्लास 4 और क्लास 3 है उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया, सिर्फ रिटर्न टेस्ट होगा। अब जब रिटर्न टेस्ट होगा तो कोई भी आ सकता है उसमें। अब हिमाचल जैसा जो पहाड़ी प्रदेश है, कई बार जो है वो दूसरे लोग जो है वो उसमें ज्यादा कम्पीट करेंगे तो वो आ सकते हैं, इसलिए उसको एड्रेस कर रहे हैं हम कि किस प्रकार से जो है वो बाकी जगह इसमें रोक इसलिए लगती है। गुजरात में जो है वो गुजराती कंपल्सरी होती है, बाकी लोग नहीं उसमें कम्पीट कर सकते। पंजाब में पंजाबी कंपल्सरी, कोई नहीं जाएगा, लेकिन हिमाचल प्योरली हिंदी भाषी स्टेट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी देश का व्यक्ति जो है वो आ सकता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। पिछले जवाब में आपने जिक्र किया कि अटल सरकार के दौरान कोई बड़ा पैकेज आप लोगों को मिला, अब मोदी जी हैं केंद्र में, यहाँ पर आप लोग हैं, जयराम सरकार के, तो दोनों जो सरकारें हैं बीजेपी की या फिर कह लें कि डबल इंजन की सरकार है, क्या उससे आपके विभाग को कोई खास पैकेज मिला जो कि वाकई दिखा हो? नहीं देखिए, ऐसा कहाँ लिखा है, सारे हिंदुस्तान में हमारी सरकारें हैं और हर सरकार को मोदी जी विशेष पैकेज देते रहेंगे। नहीं, आप हिमाचल की जनता को, हिमाचल को शिक्षा विभाग में यूटिलाइजेशन का सवाल है, हमको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा मिलता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा मिलता है, उसके द्वारा ही हम ये स्मार्ट क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट रूम जो है चलाते हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी जो है इनोवेटिव काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। इसके अलावा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के लिए हम अपनी योजनाएं वॉलंटरीली चला रहे हैं, जैसे आपके ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन होती हैं, हमने अखंड शिक्षा ज्योति अपने स्कूल से निकला मोती नाम से कार्यक्रम शुरू किया, जिससे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसी स्कूल से पढ़ाई करके निकले हुए विद्यार्थी बहुत मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है बहुत सारे इनोवेटिव काम कर रहे हैं। हमने नया कंसेप्ट स्कूलों की दृष्टि से कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी जो है वो मोटिवेशन वो भी मिले, अटल आदर्श विद्यालय जो है वो उसका कंसेप्ट, जिसमें हमारे हर साल 10-15 स्कूल जो है वो हम खोल रहे हैं, वो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में एक स्कूल कम से कम होगा, ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स भी हम अलग अलग जगह कर रहे हैं। हर स्कूल में
छात्राओं के लिए जो है वो नैपकिन की व्यवस्था हो, वेंडिंग मशीन की व्यवस्था हो, निर्मल जल सारे हिमाचल प्रदेश के हर स्कूल में आरओ लगा हुआ हो, इस इन चीजों की तरफ जो है वो विशेष यहाँ सरकार काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट बैग्स की जो बातें थी या यूनिफॉर्म की जो बातें थी, उसमें विपक्ष ये कहता है कि या तो यूनिफॉर्म दी नहीं गई या दी गई तो उतनी अच्छी नहीं दी गई जितनी कि आपकी सरकार से उम्मीद की जाए क्वालिटी के हिसाब से। इस बार का विधानसभा सेशन 9 तारीख से 14 तारीख तक धर्मशाला में हुआ, बहुत शोर सुनते थे अखबारों में। पहले दिन ही मैंने स्टेटमेंट जो है वो शिक्षा की वर्दियों को लेकर के वहाँ पर दी थी। उसके बाद एक भी क्वेश्चन जो है वो अपोजिशन की तरफ या किसी की तरफ से नहीं आया है। शोर मचाते हैं कुछ लोग जो हैं वो, मैं उन्हें कि कौन जो है जिसकी भी इच्छा होती है वो किसी चीज़ पर भी थोड़ा सा कपड़े का रंग चला गया तो खबर बन जाएगी। अच्छा। अब 14 लाख वर्दियाँ जहाँ जाएंगी उसमें 2-4 वर्दियों में जो है कहीं रंग चला गया तो ये स्वाभाविक हो सकता है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक हेल्पलाइन है 1100 नंबर पर कंप्लेंट्स होती हैं, टोटल कंप्लेंट्स इतने दिनों में शिक्षा विभाग से संबंधित 16 हुई हैं जो विभिन्न विषयों पर है। वर्दी को लेकर सिर्फ एक कंप्लेंट थी, वो भी शेड में वेरिएशन की थी कि जो हमारा मास्टर सैंपल है उसे, क्योंकि हमने टेंडर से हम करते हैं और शिक्षा विभाग ने खरीदा। विपक्ष वाकई बहुत मजबूत है कि एक यूनिफॉर्म में दिक्कत होती है, उस मुद्दे को भी संसद से लेकर सदन से लेकर माफ कीजिए सड़क तक उठाते हैं। नहीं, वो सड़क पर उठाते हैं, सदन में नहीं उठा पाए, सदन में वो मुद्दा उठा नहीं। पहले दिन ही मैंने स्टेटमेंट दे दी थी, उस पर चर्चा मांग सकते थे, वो नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं उठा क्योंकि नहीं है वो मुद्दा। तो इसलिए ट्रांसफर का आपने शुरुआत में आपने भी जिक्र किया और वाकई बड़ा मुद्दा है हिमाचल में आपके विभाग के लिए। सर, ऐसा क्या करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बहुत जल्द या तो लागू हो जाए, इसके अलावा आपका भी समय बतौर मंत्री उसमें इतना जाया ना जाए या फिर कहें कि उतना उस समय को आप कहीं और यूटिलाइज कर पाएं विभाग के लिए, तो क्या कुछ स्टेटस है फिलहाल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर? देखिए, ठीक है, ट्रांसफर जो है एक मुद्दा है। जब मैं बना था पहली बार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने दिया था विभाग, तो मुझसे यही कहा था कि जी आपने शिक्षा विभाग मांगा है, मैंने कहा नहीं, मैंने क्यों मांगना, जो मुख्यमंत्री जी ने दे दिया वो ले लिया, कैसे करेंगे कैसे चलाएंगे। मैंने कहा मैं ये करूंगा कि मैं ट्रांसफर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहूंगा, मैं शिक्षा मंत्री बनकर के काम करना चाहूंगा। उसकी दिशा में हमने 3-4 जो है वो कर्नाटका का हमने एक्ट मंगाया है, हमने उत्तराखंड ने एक्ट बनाया है इस बारे में, उसको भी मंगाया है और हरियाणा ने पॉलिसी बनाई है। इन सब तीनों का अध्ययन करके हमने काम जो है सौंप दिया है, उसका बजट एलोकेशन वगैरह करके उसको हम ऑनलाइन होगी ऑनलाइन करेंगे या कोई एक्ट बना करके होगा तो एक्ट बना करके। आपको नहीं लगता कि स्पीड बहुत कम है? 2 साल आप सरकार के पूरे करने जा रहे हैं लेकिन अभी जो है मंथन जारी है बाकी राज्यों की तुलना में। नहीं, तुरंत जो है वो कोई चीज़ कर दें और उसके बाद हाईकोर्ट में बंद हो जाए, वो ऐसे जो है व्यवस्था करने से अच्छा है। केवल मात्र पॉपुलिस्टिक जो है वो काम करना शिक्षा में जो है उचित नहीं है। शिक्षा में अगर कोई काम करना है तो वो कंक्रीट होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की नरिशमेंट से होता है, बच्चा जो है वो संस्कार लेने वाला होता है, शिक्षा को शिक्षित होना है बच्चे को, तो उसके लिए कोई भी डिसीजन करना है, अध्यापकों से रिलेटेड डिसीजन करना है, तो उसमें समय सबसे कंसल्टेशन होना जरूरी है। मेरे विभाग में 46 एम्प्लॉयज मतलब शिक्षकों की यूनियंस हैं, हम सबसे चर्चा करें, छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है, हर चीज जो है वो एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या चीज हिमाचल प्रदेश के लिए उचित है उसको करने के लिए इसलिए समय लगना संभव जी। शिक्षा को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की, अब बात करेंगे कानून मंत्रालय की। आपने शुरुआत में कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कानून का रहा जी, बतौर मंत्री आपके पिटारे में ऐसा क्या है, ऐसा कोई फैसला, ऐसी कोई रणनीति, कोई कानून की जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है उस पर आप कंट्रोल कर पाए, नकेल कस पाए? नहीं, देखिए ये होम डिपार्टमेंट का काम है, कानून मंत्रालय तो जो सारे डिपार्टमेंट को लेकर कानून मंत्रालय जो है वो सरकार का सिर्फ एडवाइजरी मंत्रालय होता बिल्कुल। है एक्शन लेने वाला नहीं होता, एक्शन होम डिपार्टमेंट लेता है। हमारे पास उनके कुछ जो काम आते हैं उसको हम लीगल ओपिनियन उनको देते हैं कि क्या करना है तुमको, जो भी कानून जो है वो बने सरकार जो है विचार करे वो लीगली टीनेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है, उस बात को देखना जो है कानून मंत्रालय का प्रदेशों में काम होता है, केंद्र में उसकी ज्यादा बड़ी जुरिडिक्शन होती है।
प्रदेशों में बहुत ज्यादा काम कानून मंत्रालय का नहीं। देखिए मंत्रालय तो बड़ा है ना, और मैंने इसी बात को लेकर कहा कि कानून ऐसा क्या बनाया जाए कि क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल हो। इसके अलावा आप खुद बताइए कि दो साल में ऐसा कोई काम की वाकई लगे कि मील का पत्थर साबित हुआ कि आपके विभाग का कानून मंत्रालय का कानून। फिर मैं कह रहा हूँ ना, कानून मंत्रालय कानून भी नहीं बनाता, कानून मंत्रालय सिर्फ ओपिनियन देता है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि क्राइम को लिटिगेशन को ये होम डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, जब वो एक्ट बना करके भेजते हैं उसमें कि ये लीगल है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक बैठता है, वो काम हमारा देखता है। वाकई कानून लेकिन का, उसके बावजूद का बैकग्राउंड आप रखते हैं, वाकई आप क्लियर कर रहे हैं इस बात को। ठीक है सर। नहीं, मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा जो है कारण ये है, क्रिमिनल एक्ट वगैरह के लिए जो है वो स्टेट्स जो है वो बहुत माइनर रोल होता है उनका, अदरवाइज ये केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट कानून होती है। आईपीसी जो है वो केंद्रीय एविडेंस एक्ट वैसे बना है, सीआरपीसी पार्लियामेंट से बना है, उसमें कोई स्टेट से रिलेटेड माइनर अमेंडमेंट करनी हो तो वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। यानी क्राइम से आपका कोई बतौर मंत्री आपका नहीं, बतौर मंत्री नहीं, बतौर मंत्री एज मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन बेसिकली दिस डिपार्टमेंट इज विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ही लुक्स आफ्टर व्हाटएवर ही ब्रिंग्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वी डिसाइड एंड वी गिव आवर ओपिनियन। जो स्टूडेंट्स हैं वो नशे से दूर रखें, उसके लिए आप शिक्षा में किस तरह का बदलाव करते हैं या किस तरह से जागरूक किया जाए? ये बहुत बढ़िया बात किया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ऐसे प्रदेशों में आता जा रहा है जहाँ पर नशा जो है बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए जो संस्कार युक्त शिक्षा की भी बात की मैंने, वो नशे को कंट्रोल करने के लिए भी एक साधन होता है। संस्कृत जो हमने इंट्रोड्यूस की वो भी नशे को जो है रोकने के लिए है। तीसरा, हमने नशे के ऊपर अपने सिलेबस में जो है वो लेसन जो है वो इंक्लूड किए हैं, और इसके साथ साथ हम जो नैतिक शिक्षा के सिलेबस में डाल रहे हैं उसको भी इसी विषय को देख रहे हैं। दूसरा जो है वो नशा सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में ही जो है वो उपयोग में आता है, और उसमें हमारे सरकारी स्कूल ही नहीं है, उसमें गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो बड़ी आसानी से जो है वो एलोरमेंट में आ जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमारे जो स्कूलों में एक तो जागरूकता अभियान सबसे ज़्यादा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी एक महीना जो आज 15 दिसंबर को ख़त्म हुआ, 15 नवंबर से 15 नवंबर दिसंबर तक जो है वो नशा मुक्ति का जो है मास मनाया गया। दो अच्छी बातें आपने कही। पहली बात तो आपने माना कि नशा वाकई बढ़ा है, इस पर इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या सरकार का कोई फेल्योर है और सरकार को क्या करने की जरूरत है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि कॉन्वेंट स्कूल्स में ज्यादा पैसा होता है, वहाँ जो स्टूडेंट्स ज्यादा नशे का शिकार होते हैं, तो क्या सर वाकई निजी स्कूलों की मनमानी जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है? देखिए, नशा जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, हमने तो नशे को उजागर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद पहला प्रदेश है जिसने नॉर्थ इंडिया के सारे मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा बुलाया, नोडल ऑफिसर तय किया, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जॉइंट ऑपरेशंस किए, और आज पुलिस डेली शिमला में भी आप डेली अखबार में पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जो है नशे के साथ पकड़े जाते हैं। ये एक अवेयरनेस जो है वो वर्तमान सरकार ने लाई है, सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो सेंसिटाइज किया है इस दिशा में कि भी आप नशे के प्रति जो है वो जागरूक रहें और इसको हमको कर्म करना है, इसको रोकना है। लेकिन क्योंकि पंजाब में जो है वो नशे की गिरफ्त में था और हिमाचल बॉर्डर में है पंजाब के, पठानकोट के साथ भी, इस साइड से जो है वो चंडीगढ़ इत्यादि से जो है ऊपर को आ जाए और यहाँ पर आसानी से छुपने का रास्ता होता है, बाहर भागने के लिए तो मुश्किल होगी लेकिन यहाँ पर आसानी से कोई आ सकता है और उनको लगता है कि वर्जन स्टेट है, यहाँ पर हमारा धंधा ज़्यादा अच्छी तरह से चल सकता है, तो इसलिए लोगों ने कोशिश की है और उसको कर्म करने की जो है वो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और माता पिता को भी हम जागरूक कर रहे हैं। हम सारे जो है वो इसमें टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, सरकार ही नहीं, माता पिता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक हम जो है वो नशे को रोक नहीं सकते। यहाँ पर बड़ा इस कारण से भी है कि बहुत सारे लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी है, खास करके सेब के बगीचों के, इससे पहले आप हमारे बागवानी मंत्री से पूछ रहे थे, तो उसके कारण बच्चों को वो पढ़ाते हैं शहरों में दादा दादी के पास रहते हैं या माता के पास रहते हैं, इसलिए बच्चे पर कई बार कंट्रोल नहीं रह पाता है।
तो उसके लिए उनको पैसा हुआ, पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, आप ही मानते हैं। चलिए प्राइवेट स्कूलों पर आते हैं, बहुत बार जो पेरेंट्स हैं वो सड़कों पर आते हैं कि फीस बढ़ोतरी को लेकर, बाकी मनमानी को लेकर, उसे बतौर मंत्री कैसे कंट्रोल करेंगे आने वाले दिनों में कि किसी तरह की मनमानी ना हो कम से कम? देखिए, हिंदुस्तान के कानून में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे निजी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार का जो है कोई कंट्रोल भी रहे। हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है हिमाचल देश भर में जिसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन भी बना। हमारा यहाँ पर एक कानून स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए भी है, लेकिन वो केवल एडवाइजरी नेचर का है। हम उसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं कि उसमें हम क्या प्रोविजन्स ऐसे कर सकते हैं जिससे हम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकें। एक तो हमारे पास उसी प्रोविजन में, और साथ ही जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसमें प्रोविजन है कि हम फीस में उनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो प्रॉफिटियरिंग ना करें। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। अगर लीगली पॉसिबल हुआ तो हम चाहेंगे कि भी इसको रेगुलेट किया जाए। और खुशी की बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों के अभी हमको मैनेजमेंट के लोग भी मिले थे, वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई जो है इस प्रकार का सिस्टम बना दें आप, ताकि हमारे को जो है अननेसेसरी इस प्रकार की क्रिटिसिज्म ना सुनना पड़े। आपके विभागों को लेकर हमने विस्तार से बात की, ज्वलंत जो मुद्दा है देश का उस पर बात करना चाहेंगे। हालांकि ठाकुर साहब की ओर से हालांकि इनकार किया गया, सीएए को लेकर जो चल रहा है फिलहाल, आपकी सरकार पर आरोप है कि संविधान का उल्लंघन कर रखे हैं, पूरी तरह से एक धर्म विशेष को अलग किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस इसमें सबसे आगे फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो नकारात्मक राजनीति कर रही है, उनको महात्मा गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए। देश की आजादी में जिन लोगों का हिस्सा रहा है वो आज बांग्लादेश या पाकिस्तान में चले गए हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या आप वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित ठीक प्रकार से रहेंगे? अगर आप जो है वो वहां पर कोई सरकार जो है आपके साथ जाति करती है तो हिंदुस्तान आपका देश जो है वो स्वागत करेगा। आज कांग्रेस के लोग उस बात को पढ़ने के बजाय ना तो पार्लियामेंट में जो है मुकाबला कर सकते हैं, ना कहीं बाहर जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए वो गली कूचों में जाकर के जो है वो आगजनी पर जो है वो उतर आए हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा कोई नहीं है। सारे देश में जो है वो कांग्रेस जो है वो रसातल की ओर जा रही है। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस कमेटी के, ये अकेले ही अध्यक्ष हैं, सारी की सारी कमेटियां इनके ऊपर से नीचे तक खत्म है। आजकल कोई कमेटी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नहीं है। इसमें जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से कोई कंसर्न नहीं है इस एक्ट का। इस एक्ट का कंसर्न सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे वहां पर उनकी महिलाओं को, लड़कियों को जबरदस्ती जो है वो उनसे साथ जातियां किए जाती रही, वहां पर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। जहां पहले 25% जो है वो हिंदू थे, आज वहां पर 1.5% रह गया है। अगर वो 1.5% में से जिनके ऊपर तशद्दुद होता है वो हिंदुस्तान में आते हैं, उनको यहां पर शरण नहीं मिलेगी। अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो क्या हिंदुस्तान हिंदू को जो है वो कहीं अफ्रीका में जाकर के शरण लेनी पड़ेगी? लेकिन तो इसके लिए जो है इस कानून का बनना हिंदुस्तान के किसी के साथ सेक्युलर कंट्री है ना। इसके अलावा आप शिक्षा मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या नुकसान है इस कानून का? ये कानून है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो वहां का अल्पसंख्यक, वहां अल्पसंख्यक हैं क्रिश्चियन, सिख और हिंदू, अगर वो हिंदुस्तान आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के कांग्रेसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? आखिरी जवाब, चूंकि आप शिक्षा मंत्रालय देखते हैं, शिक्षा विभाग देखते हैं, हिमाचल का जो छात्र, जो विद्यार्थी दिल्ली में सड़कों पर उतरे हैं सीएए के खिलाफ, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश? देखिए, जेएनयू जो है पहले से जान रहे हैं, हम देख रहे हैं छोटी छोटी फीस जो है वहाँ पर, खर्चा कुछ नहीं होता है, वहाँ दाखिल होते हैं, बूढ़े भी वहीं पर हो जाते हैं, पॉलिटिक्स भी वहीं से करते हैं, इसलिए जो है वो खड़े होकर के इस प्रकार की जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो हिंदुस्तान में
इसी आंदोलन में भी परसों में देख रहा था, वहां पर भी हम क्या चाहते हैं, आजादी। किससे आजादी? आजादी तो तुम्हारे को जेएनयू से मिलनी चाहिए, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी कमाई से जो है वो खर्चा कर सकें। अगर सरकार की कमाई के ऊपर जो है वो आप नारे लगाने के लिए इस प्रकार की जो है वो गुंडागर्दी करेंगे, तो कोई भी सभ्य समाज जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए। तो सुरेश भारद्वाज को आपने सुना, आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। सीएबी को लेकर जो फिलहाल देश भर में चल रहा है उसे लेकर कांग्रेस को घेरा गया है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर, कानून को लेकर और संसदीय कार्य मंत्रालय जो इनके पास है उसे लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। आने वाले दिनों में भी हिमाचल की तस्वीर को कैसे बेहतर किया जाए उस पर भी सरकार लगातार ध्यान केंद्रित किए हुए है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश भारद्वाज जी, आपने हमारे साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब मैं अनुरोध करूंगी, गुजारिश करूंगी खबरें अभी तक के एमडी मिस्टर विशाल गर्ग जी से कि वो यहाँ पर आए और साथ ही एक स्मृति चिन्ह जो कि पौधा है वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को देकर ये शिक्षा पूरे देश को दें, जो अभी हमें देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे बहुत जरूरी है, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए खबरें अभी तक की ये परंपरा है कि यहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा दिया जाता है। तो ये तस्वीरें बेहद बेहद आकर्षक है, एक पौधा वाकई जो पर्यावरण को बचाने में मददगार है। इसलिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो जानी चाहिए, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कर सकते हैं, जोरदार तालियां यहाँ पर बजा सकते हैं।